आज इस वीडियो में हम भारत के बारे में नहीं बल्कि भारत से जुड़ा एक छोटा देश नेपाल पर चर्चा करेंगे। नेपाल उन एकलौते देशों में है जिस पर कभी किसी का राज नहीं हुआ। भले ही नेपाल भारत के उत्तर प्रदेश से छोटा हो, लेकिन 2008 तक यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, जिसके बाद इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया और हिंदू राष्ट्र के दर्जे को हटना पड़ा। क्या आपको मालूम है कि जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत मुगल और ब्रिटिश राज के अंडर था, वहीं नेपाल एकमात्र हिंदू राजतंत्र था जिसके साथ साथ वो एक स्वतंत्र राष्ट्र भी था। नेपाल एक छोटा देश होने के बावजूद भी अपनी हिंदू पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने से पहले नेपाल में नियम हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बनाए जाते थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत एक विशाल राष्ट्र और इतने गुणों के होने के बाद भी भारी ताकतों का राज अपने ऊपर रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। वहीं नेपाल पर कभी भी मुस्लिम ताकतें राज नहीं कर पाई, ना ही कोई अंग्रेजी उपनिवेश था वहां पे, और चीन के इतने नज़दीक होने के बाद भी उनको घुसपैठ करने का मौका नहीं दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि नेपाल अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाया, तो इसका बड़ा सरल उत्तर है, वो है नियम और कानून। जी हाँ, नेपाल में हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित नियम बड़े सख्त थे, जिसके कारण कोई भी मुसलमान इस राष्ट्र के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जिसकी वजह से वहाँ हिंदुज़्म एक प्रमुख धर्म बना रहा। नेपाल की धार्मिक पहचान को बरकरार रखने का सबसे बड़ा श्रेय राजा पृथ्वी नारायण शाह को जाता है, जिन्होंने सन 1743 से लेकर 1775 तक नेपाल पर शासन किया। केवल 20 बरस की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए युद्ध करा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने भारत को बचाने के लिए करा था। 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुस्लिम शासक कमजोर हो रहे थे और मराठा भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे थे और अफगानिस्तान तक अपने राज को फैलाना चाहते थे। मुस्लिम शासक धीरे धीरे खत्म होते से प्रतीत हो रहे थे, लेकिन 1761 में मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिसने भारत पर हिंदू राज की नींव को तोड़ दिया। अब मराठाओं की हार के बाद हिमालय पर्वत के चरणों पर बसा एक छोटे से राज्य पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का डर घूमने लगा था, जिसमें नेपाल की हिंदू पहचान खो सकती थी और मंदिरों पर भी संकट मंडरा रहा था। यह वो समय था जब पृथ्वी नारायण शाह ने अपने गोरखा योद्धाओं के साथ मिलकर एक ताकतवर हिमालयन राज्य को बनाया जो कभी ना हराया जाने वाला राज्य था। सबसे पहले उन्होंने नुवाकोट जिला पर विजय प्राप्त करी। अपने हिमालय राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मुगलों के साथ अपने सारे संबंधों को तोड़ दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य दोस्ती करने का नहीं बल्कि राज करने का था। उनकी ये अद्भुत रणनीति मुसलमानों को दूर रखने में कामयाब रही। वो पृथ्वी नारायण शाह ही थे जिनके कारण सभी नेपाल के हिंदू एकजुट हो सके और आज के मॉडर्न नेपाल की नींव रखने में सफल रहे। राजा पृथ्वी नारायण अपनी मृत्यु से पहले एक दिव्य संदेश को रिकॉर्ड करके गए थे, जिसमें उन्होंने नेपाल को हिंदू का देश बताया और वहीं भारत को मुगलाना कहकर संबोधित करा, क्योंकि भारत की शुद्ध भूमि को मुगल द्वारा प्रदूषित कर दिया गया था। आज नेपाल के कई लोग भारत को मुगलाना कहकर बुलाते हैं, वहीं नेपाल ने उस दिव्य संदेश का पालन करते हुए अपने सिद्धांतों को मिटने नहीं दिया, जिसके चलते 19वीं शताब्दी में राजा जंग बहादुर राणा ने उस दिव्य संदेश में कुछ बदलाव करे और मुल्की आयन यानी कि नेपाल में कानून व्यवस्था को उजागर करा, जिसमें मुस्लिम धर्म को जाति के क्रम में सबसे निचले वर्ग में जगह दी, जिसके चलते 1853 में आया नेपाल कोड के अनुसार वहाँ के मुस्लिम लोगों ने समाज में अपनी लो प्रोफाइल को बना के रखा। 1853 का नेपाल कोड इतना सख्त था
कि वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ और नेपाल के मुसलमान हिंदू धर्म ग्रंथों पर बनाए गए नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक नेपाल में रहने लगे। और फिर 1953 में राजा महेंद्र ने 1853 का नेपाल कोड को बदल दिया और अब न्यू कोड के अनुसार वहाँ पर रह रहे मुसलमानों को समान नागरिकता का दर्जा मिल गया। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे जैसे कि धर्म कन्वर्जन तलाक पर प्रतिबंध बना रहा और तो और धर्म परिवर्तन नेपाल में एक दंडनीय अपराध है। पहली बार नेपाल में मुस्लिम त्योहारों पर अवकाश 2008 में घोषित किया गया जब उसको हिंदू राष्ट्र से हटाकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया। यदि एक मजबूत हिंदू राजा हिंदू नियमों के माध्यम से एक छोटे से राष्ट्र को चला सकता है और मुगलों को रोक सकता है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने विचारों को हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और जाने से पहले हमारे चैनल लाइफ साइंस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और याद से उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। नमस्कार।